बरसों तक निष्काम कर्म कर रहे हैं, इस भ्रम में रहने के पश्चात भी फिर किसी एक दिन अनुभूति होती है कि हमारा काम निष्काम नहीं था। प्रत्येक दिन के उदाहरणों से देख सकते हैं, कोई हमारे कार्य की थोड़ी प्रशंसा करे तो मन बड़ा उत्फुल्ल हो जाता है, कोई यदि मजाक करने के लिए थोड़ी निंदा कर दे तो हमारी निंदा हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण दिखा देते हैं कि कितना हमारे कर्म वास्तव में निष्काम कर्म है। योगियों को मन को साधना पड़ता है और मन को साधना तो महावर स्वयं बोलते हैं कि मन इतना चंचल है कि मानो हाथ में वायु को बांधने के समान कठिन प्रतीत होता है। तो योग मार्ग के माध्यम से साधना करें तो भी बस आसान नहीं है, और वेदांत के पद से चले ज्ञान मार्ग के पद से वह तो लगभग आज के युग में असंभव सा ही लगता है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि कलयुग में अनगत प्राप्त है, तो देह बोध से ऊपर उठे बिना ईश्वर के दर्शन हो नहीं सकते ज्ञान मार्ग से, और हम तो देह में इतने आबद्ध हैं कि इस देह से परे कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। एकमात्र भक्ति का पुरस्कार ऐसा है जो आसानी से ईश्वर तक ले जा सकता है, आसानी से ले जा सकता है यदि उसमें भी हमारी समझ की का हो तो, परंतु अन्य अन्य मार्गों की तुलना में उपाय आसान है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि कलयुग के लिए भक्ति मार्ग ही उचित है। तो भक्ति में हमें मन को इतने साधने का प्रयत्न भी नहीं करना है, निष्काम कर्म भी यदि हो जाए तो भी नहीं भी हो जाए तो चिंता नहीं, जितनी इच्छा हो खाओ, परंतु ईश्वर को खिला रहे हैं, ईश्वर के लिए शरीर पर चला रहे हैं, जितनी यह भावना दूर होती है जब हमारे अंदर से हमारा आपन जीना होगा, अंदर ईश्वर की है यह भावना जितनी सुदृढ़ होगी और उसी ईश्वर की छवि संसार के दूसरे लोगों में भी देखकर उनके साथ भी हमारा व्यवहार सेवा है उसी प्रकार से कर पाए, इस भाव से ईश्वर का ही वास है। जितना ईश्वर को अधिक से अधिक हम देखते हुए, ईश्वर को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करते हुए हम संसार के लोगों से भी व्यवहार करें, हमारे दैनंदिन जीवन को भी विकास करें, न धर्म की आवश्यकता है, न योग साधना की आवश्यकता है, न अधिक कुछ तपस्या की आवश्यकता है, परंतु ईश्वर को अधिक से अधिक स्मरण करते हुए जीवन यापन करें। और इसी भक्ति मार्ग के आधार पर यदि हम मान लें कि यह सारा संसार जो है ईश्वर की लीला है, इसी बात एक सिनेमा या एक नाटक का निर्देशक जैसा मानता है अभिनेता को वैसा ही करना पड़ता है। अभिनेता हो सकता है किसी धनी व्यक्ति का पुत्र है, परंतु उसे पात्र किसी कंगाल व्यक्ति का दिया है, वह जितना अपने को अधिक से अधिक कंगाल दिखाकर और करुणा उत्पन्न कर सके दर्शकों के मन में, उतना उसका अभिनय सफल होता है। या फिर वह वही कंगाल हो, परंतु यदि उसे धनी व्यक्ति का पात्र दिया गया है, अपने अभिनय के माध्यम से यदि दर्शकों के मन में वह यह भाव बिठा सके कि वह व्यक्ति सचमुच बड़ा धनी है, तो यह उसके अभिनय की सफलता होगी। तब ईश्वर रूपी निर्देशक के संचालन में यह जगत रूपी नाटक चल रहा है, इसमें हम जहाँ भी हैं जिस भी परिस्थिति में हैं वह पात्र हमें ईश्वर ने वही पात्र अभी हमारे लिए दिया है। हम प्रवृत्त हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं और संसार में भी हमारे उत्तरदायित्व हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक उत्तरदायित्व जो है वह ईश्वर के इस नाटक का एक हिस्सा है और उसमें हमें मौका ईश्वर ने दिया है। यहाँ हमारी समाज स्पष्ट हो तो संसार निर्वाह आसान हो जाता है। समस्या है कि नाटक का धनी पात्र जीवन में तो कंगाल है, परंतु स्वयं को सच में धनी मानने लगता है और इसलिए मंच से उतरने के बाद वह अपने आप को धनी ही मानता है, वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करता है, तो फिर उसके जीवन में आना अवश्य। हमारे जीवन की समस्याएं भी ईश्वर प्रदत्त है, यह यदि हम मान लें, समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा अचानक, परंतु हमारी मानसिक दशा और उन समस्याओं से जूझने की बन जाती है, और जब
तब ईश्वर हमें नहीं भी रखते। हमने पिछले ही प्रसंग में देखा था श्री रामकृष्ण देव का वह उदाहरण दिया जिसमें भी एक बंदर के बच्चे का और एक बिल्ली के बच्चे का उदाहरण देते हैं। बंदर के बच्चे को अपनी माँ को पकड़े रखना पड़ता है जबकि बिल्ली का बच्चा पूरी तरह से माँ पर निर्भर है। उसकी माँ उसे अपने मुँह से दबा कर कहीं भी देती है तो वह उसे नरम किसी बिस्तर पर भी रख देती है, कभी किसी कूड़े करकट में भी रख देती है, जहाँ भी रहते बिल्ली का बच्चा अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करता। यदि उसे समस्या होगी तो वह सिर्फ और संपूर्ण रूप से निर्भर कर रहे है तो ईश्वर ऐसे साधक की समस्याओं का समाधान करते हैं। परंतु नाटक के उस पात्र के समान जो है तो कंगाल परंतु स्वयं को समझता है या है धनी पर स्वयं को कंगाल समझता है, वह नाटक के पात्र के साथ यदि अपने आप को एकाग्र कर लेता है तब तो उसके जीवन में कष्ट होंगे। और वैसा ही हम अपने जीवन के कष्टों को यदि हमारा ही कष्ट समझें उसे ईश्वर कर देते हैं तो जीवन में कष्ट और इसीलिए श्री रामकृष्ण करते हैं कि यह संसार जो है ईश्वर की लीला है। इस लीला को यदि हम समझना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। परंतु यदि हम इसमें थोड़ा विश्वास भी करें और विश्वास करके यदि हम अपने जीवन बिताने का प्रयत्न करें तो हम स्वयं ही देख पाएंगे कि हमारे जीवन जो भी और जीवन की समस्याएं तब भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि ईश्वर का विश्वास करना प्रारंभ करते से ही भगवान हमें बड़े आराम में रखते हैं। बस ये धारणा की भूल है। ईश्वर के पास आज भी अधिकतर लोग यही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान मुझे सुखी रखना, भगवान मुझे धन देना। 99.9% व्यक्ति तो भगवान के पास मंदिरों में आश्रमों में इसीलिए जाते हैं, मेरी नौकरी कर देना, मुझे पदोन्नति दे देना, मेरा बड़ा मकान होता है। ईश्वर इन सब चीज़ों को देने के लिए नहीं बैठा है, ईश्वर और भी अधिक कुछ देने के लिए बैठा है। परंतु हम इन छोटी छोटी बातों से ही संतुष्ट करते हैं, इसलिए भी भगवान भी मजा लेते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं किसी राजा को प्रसन्न करके राजा यदि वर दे कि तुम जो चाहो मांग लो, पर फिर कोई उनसे कोई लौटी या कोई कर्ज मांगे तो वो मरकता ही होगी। ईश्वर के पास जाकर भी यदि नौकरी धन ऐश्वर्य यदि यही मांगना श्री रामकृष्ण देव के दृष्टि में वह वैसा ही है जैसे किसी राजा की प्रसन्नता लाभ करके उससे तुच्छ वस्तु मांगना है। ईश्वर से भक्ति मांगना है, ईश्वर से ईश्वर का सानिध्य पाना है, ईश्वर से ईश्वर का दर्शन और उनके साथ सब समय रहने की इच्छा, यह जो है यह वास्तविक भक्ति की इच्छा होती है। और इसलिए जो वास्तविक जीवन में भक्त हुए भी हैं हमारे देश में जो सारी परंपरा रही है और हमारे देश में विश्व के किसी भी देश में किसी भी धर्म को मानने वाले जो सच्चे साधक है उन सच्चे साधकों का जीवन यदि देखा जाए उन्होंने ईश्वर से कभी हामिली में रहने की सुख में रहने की प्रार्थना नहीं की, उन्होंने सिर्फ ईश्वर का सानिध्य पाने की इच्छा ईश्वर के समक्ष की। और ऐसे समस्त साधकों का भी चाहे किसी भी देश के किसी भी जाति के किसी भी धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो ऐसे भक्तों का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक तो वास्तविक भक्त वही है जो ईश्वर से सांसारिक चीजें नहीं चाहता है, वह स्वयं ईश्वर को चाहता है। हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं भक्ति मार्ग हमें ईश्वर से कुछ पाने के लिए प्रेरित नहीं करता है परंतु ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित करता है। यह ईश्वर से पाना और ईश्वर को पाना इस अंतर को यदि हम समझ पाए तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन होता है। श्री रामकृष्ण देव चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कोई ईश्वर द्वार से हट जाएंगे तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती है, नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसीलिए पुराणों में है सप्तशती में मधुकैटभ का वध करते समय
ईश्वर की कृपा प्राप्त करना हो तो पहले आज्ञा शक्ति रूप में महामाया को